सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यह है मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा था कि किस तरीके से स्टेशन को बनाया जा रहा है दोस्तों, और इसका कौन कौन लेवल बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। प्लेटफॉर्म लेवल पर दोस्तों अभी रूफटॉप स्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है, वही लगाया जा रहा है और इसको स्टेशन को बनाया जा रहा है। ऊपर का दोस्तों, इस पर दिल्ली मेरठ RRTS का जो कॉरिडोर है दोस्तों, मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन है, उस पर अभी वर्क चल रहा है और जो बीच का डिवाइडर है वो भी बनाया जा रहा है। देखो आप लोग तस्वीरें, और यहाँ पर डिवाइडर बन जाएगा, फिर मिट्टी डाली जाएगी। मिट्टी डालने के बाद में दोस्तों इस पर पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे हरियाली के लिए। दोस्तों आगे चलते हैं, दिखाते चल के आप सभी को कि आगे क्या क्या काम किया जा रहा है इस दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों केपी संत लाता रहता है, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देता रहता दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर ये टीम लगी हुई है। देखो यहाँ पर ये बायोडक्ट जो कनेक्ट किया था उसका फ्लोर वर्क कंप्लीट हो चुका है, और फ्लोर वर्क और जाने के बाद में इसका शटरिंग का जो शटरिंग है वो निकाली जा रही है दोस्तों। और ये सामने चमक रहा है दोस्तों, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रही है ये दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर की लाइन दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, काफ़ी सारे मैंने वीडियोस आप बनाए हैं यहाँ के। और देखो यहाँ ये राइट मेरे लेफ्ट हैंड पर रखे हुए स्टील के गाटर, वो डाले जाएंगे आगे जब हम मुजफ्फरनगर से आएंगे दिल्ली के लिए, तब उस बीच में ये गाटर रखे जाएंगे दोस्तों। और इसको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर दो दो लॉन्चर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। एक ब्लू कलर का लॉन्चर है, एक दोस्तों रेड कलर का लॉन्चर, रेड कलर का लॉन्चर देखो वो सामने लगा हुआ है, ब्लू कलर का ये यहीं पर लॉन्चर अब उतार दिया जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग की जाएगी दोस्तों। और गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में फिर फ्लोर वर्क किया जाएगा दोस्तों, ये लॉन्चर को हटा दिया जाएगा दोस्तों। देखो आप लोग, तो यहाँ पर ये पूरा सर्कल है दोस्तों। देखो दिल्ली हरिद्वार बिल्कुल सीधे, और अगर हमें दिल्ली के लिए जाना तो यहाँ पर इस इंटरचेंज पे ऊपर चढ़ जाएंगे दोस्तों, दिल्ली के लिए चले जाएंगे दोस्तों, जो कि बाईपास बनाया गया है, ये हमारे डाशना में जाके ख़त्म हो जाएगा। जो गाज़ियाबाद का डाशना पड़ता है वहीं पर जाके इसका एंड हो जाएगा, इस जो हाईवे बनाया है दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वो वहीं पर जाकर ख़त्म हो जाता है दोस्तों। देखो किस तरीके का यहाँ पर नज़ारा है दोस्तों, किस तरीके से यहाँ पर ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर की लाइन दोस्तों क्रॉस कर रही है। नज़ारे देखो, क्या ही अद्भुत नज़ारे हैं दोस्तों, तो आप सभी इंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा। Thank you.
यहाँ से दोस्तों रेलवे लाइन गुजर रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये डबल पिलर दिए गए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि प्रतापपुर RRTS के स्टेशन पर दोस्तों क्या क्या वर्क किया जा रहा है, क्या क्या वर्क हो चुका है। और तीसरा लॉन्चर देखो आप सभी को ये लॉन्च देखने के लिए मिलेगा जो कि ये मेरठ साउथ की तरफ जा रहा है बायोडक्ट को जोड़ता हुआ। देखो कितना लंबा चौड़ा भारी भरकम दोस्तों लॉन्चर होता है जो बायोडक्ट को जोड़ने का काम करता है एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में। मेरे प्यारे दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ से ये क्योंकि बीच में फ्लाई ओवर था तो इसलिए साइड में हो गई थी, अब ये धीरे धीरे बीच में आ जाएगी लाइन दोस्तों। और आगे देखने के लिए मिलेगा प्रतापपुर RRTS का स्टेशन जो कि मेरठ मेट्रो के लिए ही वो स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों, लेकिन वहाँ पर रैपिड रेल नहीं रुकेगी। और आज 20 अक्टूबर है दोस्तों, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस रैपिड रेल का उद्घाटन किया दोस्तों, प्रायोरिटी सेक्शन का साहिबाबाद से लेकर और दोहाई के बीच में दोस्तों 17 किलोमीटर का पार्ट था उसमें आज उसका मुहूर्त हो गया, आम जनता के लिए खोल दिया जा चुका है। तो आप सभी को शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग इस RRTS मेट्रो का दोस्तों रैपिड रेल का आप आनंद ले सकते हैं दोस्तों। तो 21 तारीख से आम जनता के लिए खोल दिया गया है दोस्तों, और ये सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये ओपन रहेगा। तो आप लोग कभी भी आ सकते हो दोस्तों, और इसका जो किराया है दोस्तों वो थोड़ा सा महंगा है क्योंकि भाई उसी तरीके से रफ्तार भी मिलती है। और जिस दिन आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि जब मेरा क्या नाम है दिल्ली के सराय खाले कहाँ से और मेरठ आएगी मान आनंद तो तब आएगा दोस्तों। देख सकते हो ये आ चुका है प्रतापपुर RRTS का स्टेशन जिसमें दोनों तरफ गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है फुट ओवर ब्रिज के लिए दोस्तों। देखो यहाँ से ये जनता चढ़ने उतरने के लिए ये दिए गए हैं फुट ओवर ब्रिज, तो इसी वजह से यहाँ पर ये गाटर पड़े हुए हैं और इन पर अभी फ्लोर वर्क नहीं हुआ है दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, और इसके नेक्स्ट स्टेशन आएगा और स्टेशन के दोनों साइड में दोस्तों देख सकते हो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। फाउंडेशन बन के कंप्लीट हो गया है, अब इसके पिलर को ऊपर की तरफ बढ़ाया जा रहा है, फिर इसमें काम किया जाना है, दोनों साइड में ही बनाया जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग तस्वीरें देख सकते हो ये गाटर पड़े हुए हैं, इन पर अभी फ्लोर वर्क किया जाएगा, इनको कनेक्ट किया जाएगा, जो पब्लिक के इसमें मेरठ मेट्रो में उतरने चढ़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये फुट ओवर बनाया गया है। देखो आप लोग दोनों साइडों में, अब आगे नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है दोस्तों, और ये स्टेशन आ चुका है दोस्तों रिठानी का। तस्वीरें देख सकते हो जो साइडों में ये गाटर लॉन्चिंग की गई है उस पर फ्लोर वर्क स्टार्ट हो चुका है, इस पर शटरिंग लगाई जा रही है दोस्तों, और शटरिंग लगा देने के बाद में इस पर फ्लोर वर्क कंप्लीट कर लिया जाएगा दोस्तों। और इस वाले पे भी देखो मेरठ मेट्रो ही रुकेगी दोस्तों, और दोनों साइडों में एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं दोस्तों, और इसका कोच लेवल पहले ही बन के कम्प्लीट हो गया दोस्तों, अब प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है और उस पर
रूफटॉप का जो स्ट्रक्चर है वो भी अभी बनाना स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों। तो एक साइड का तो देख सकते हो आधा काम हो चुका है एंट्री एग्जिट पॉइंट का। देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर तेजी के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों मेरठ शहर के अंदर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दो दो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। क्या? एक तो मेट्रो देखने के लिए मिलेगी और दूसरा आप लोगों को रैपिड रेल देखने के लिए मिलेगा दोस्तों एक ही रूट पे। तस्वीरें आप लोग किस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है, हमारे इंडिया को न्यू इंडिया किस तरीके से बनाया जा रहा है आप लोग देख सकते हो दोस्तों। देखो क्या ही कमाल का नज़ारा है। और ये स्टेशन दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। देखो आप लोग शताब्दी नगर RRTS का स्टेशन दोस्तों, इस स्टेशन पर रैपिड रेल दोस्तों रुकेगी, इसी वजह से यहाँ पर ये स्टेशन लंबा चौड़ा बनाया गया है दोस्तों। देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क अभी चल रहा है, दोनों साइड में ये गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इन गाटरों को जोड़ा जा रहा है, फिर इस पर शटरिंग की जाएगी, शटरिंग कर देने के बाद में दोस्तों इस पर फ्लोर वर्क किया जाएगा दोस्तों, और दोनों साइडों में ही एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का भी वर्क स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। फाउंडेशन का काम कर लिया जा चुका है, तस्वीरें देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को। यहाँ पर क्या इस पर 4 और 4 8 2 और 2 4 और 2 6 यानी कि 6 ट्रैक आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि एक तो आने जाने वालों के लिए है मेरठ मेट्रो का और एक आने जाने वालों जाने के लिए है दोस्तों रैपिड एक्स का। जो रैपिड एक्स जो रैपिड रेल का है दोस्तों वो है बीच वाला, और जो दोनों साइडों में है वो है मेरठ मेट्रो का दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर इस पे शताब्दी नगर RRTS के स्टेशन पर दोस्तों देखो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो रूफटॉप का स्ट्रक्चर है दोस्तों वो भी लगाने का काम स्टार्ट हो चुका है, और देखो यहाँ पर ये फाउंडेशन अभी तैयार किया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट के लिए दोस्तों।
देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर फाउंडेशन तैयार किया जाएगा और किस तरीके से पिलर बनाए जा रहे हैं, देखो आप लोग इस वीडियो के अंदर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है और आप लोग हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप।